स्वामी विवेकानंद पर टिप्पणी कर चर्चाओं में आए संत अमोघ लीला दास ने माफी मांग ली है। स्वामी विवेकानंद के मछली खाने को लेकर बयान दिया गया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। इस बीच उन्होंने एक वीडियो शेयर कर अपने इस बयान के लिए माफी मांगी है और कहा कि उनका मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस को लेकर भी टिप्पणी की गई थी, इस पर भी उन्होंने माफी मांगी है और कहा कि जिन भी लोगों और संतों को उनकी बातों से दुख पहुंचा है उसके लिए वह सभी से क्षमा मांगते हैं। अमोघ लीला दास इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बयान के बाद इस्कॉन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। माफी मांगते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह किसी को भी ना तो दुखी करना चाहते थे और ना ही बुरा महसूस करवाना चाहते थे। यह भी बताया कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बातें कही थी। अमोघ ने कहा कि मैं इस वीडियो के जरिए उन सभी लोगों और संतों से माफी चाहता हूं जिनकी मेरी उन टिप्पणियों से भावनाएं आहत हुई है जो मैंने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी को लेकर की थी। बयानों ने बवाल मचा दिया था। विवाद बढ़ता देख इस्कॉन ने भी अमोघ के बयान से दूरी बना ली थी और कहा कि यह इस्कॉन की शिक्षा और मूल्यों को नहीं दर्शाते हैं। इस्कॉन ने भी अमोघ लीला दास के बयानों की निंदा की है और कहा कि ये ना सिर्फ अपमानजनक है बल्कि उनमें ज्ञान की कमी को भी दर्शाते हैं। बता दें कि अमोघ लीला दास ने एक प्रवचन के दौरान स्वामी विवेकानंद को मछली खाने वाला बताया था। अमोघ लीला दास ने अपने एक प्रवचन में स्वामी विवेकानंद के मछली खाने पर सवाल उठाया था और कहा कि क्या कोई सदाचारी व्यक्ति मछली खाएगा? मछली को भी दर्द होता होगा, क्या कोई सदाचारी व्यक्ति मछली खाएगा? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस को लेकर भी टिप्पणी की गई थी। इस मामले में ज्यादा विवाद बढ़ता देख अमोघ लीला दास ने सभी से माफी मांग ली है।